हेलो गाइस, एबीसी वाले इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले से इसमें डाउनलोड कर रखा हूँ सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर है विन सेटअप फ्रॉम USB। देखिए यहाँ से मैं डाउनलोड कर रखा हूँ। आपको चूज करना है आपकी सिस्टम कितने बीट है, 32 बीट है, 64 बीट है, उसी हिसाब से इसमें आपका ये सॉफ्टवेयर रन होगा। तो मेरा ये सिस्टम है 64 बिट का, ये इसलिए मैं 64 बिट का ही इसमें सॉफ्टवेयर रन करूँगा। रन हो गया, डबल टैप करने के बाद यहाँ पे खुल जाएगा इसका सेटअप। सेटअप खुलने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है पेन ड्राइव। अगर पेन ड्राइव आपको बूटेबल बनाना है तो पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे से मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आ गया ऑटो फॉर्मेट, आगे यहाँ पे NTFS पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, NTFS सिलेक्ट करने के बाद आपको एडवांस ऑप्शन में आना है। एडवांस ऑप्शन के बाद यहाँ कस्टम मेनू नेम विस्टा 7 8 9 10 7 8 10 आएगा, उसको क्लोज कर देना है। उस पर चेक लगा के टिक करके क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये हाइड है, तो यहाँ पे हाइड के लिए यहाँ पे टिक लगानी है, शो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शो करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट आएगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये फाइल लगाना है, विंडो की सिलेक्ट करके विंडो की फाइल लगाना है। फाइल यहाँ पे लग गई। फाइल लगाने के बाद आपको यहाँ पे गो का नीचे ऑप्शन है, गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद इस पर मैसेज आएगी, अब इसमें जो आपका डाटा है वो उसको इरेज होगा, फॉर्मेट होगा। तो ये कन्फर्मेशन के लिए फिर ये मैसेज आ गया, ऐसे मैसेज आएगा कन्फर्मेशन के लिए। उसके बाद ओके कर दोगे। ओके करने के बाद यहाँ पे एक और मैसेज आएगा, इसमें मैसेज ये आएगा कि आपको इसमें विंडो बनाने तो यहाँ पे विंडो का नाम डालना होगा। विंडो यहाँ पे विंडो के लिए बना रहे तो भी यहाँ पे विंडो लिखना पड़ेगा। ठीक है, विंडो लिखने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे दूसरा मैसेज आया कि कौन से विंडो बनाने हैं। तो हम इसमें अभी सेटअप लगाए Windows 7 का, तो Windows 7 लिखे ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो होगा ये पहले पेन ड्राइव जो होगा फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट होने के बाद इसमें इसका Windows 7 का फाइल कॉपी होगा। देखिए फॉर्मेट हो चुका है, अब इसमें Windows 7 का फाइल लगेगा। तो मल्टी बूटेबल में आपको इसमें टाइम लगेगा, मैं इसमें टाइम कम किया हूँ, 8-9 मिनट का मैं टाइम किया हूँ। 8-9 मिनट का टाइम में है ये विंडो बन जाएगा, लेकिन एक विंडो बनने में आपको टाइम लगता है। एक विंडो इंस्टॉल होने में, इसमें कॉपी होने में 10-15 मिनट का टाइम लगता है। तो इसी हिसाब से 3 विंडो इसमें अगर करना है, 2 करना है, तो इसी हिसाब से टाइम लगेगा इसमें आपको। ठीक है, तो इसलिए इस विंडो इस वीडियो को बड़ी ना हो, इसके लिए मैं स्किप करके आगे बनाया हूँ। देखिए स्किप कर चुका हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ पे आगे आ गया, आगे थोड़ा सा और आ गया इसका जो Windows 7 इनका सेटअप है कॉपी होने में, तो ये अब होने वाला है। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें दूसरा विंडो लगाएंगे। दूसरा विंडो कौन सा लगाएंगे, अभी 7 का लगाए थे, 8 का लगाएंगे या 10 का लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद इसमें जो मेरे पास विंडो का सेटअप होगा कौन सी है, 8 है तो 8 भी लगाएंगे, 10 है तो 10 भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिखा है जॉब डन लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ पे ओके करना है आपको। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए ऊपर स्पेस आपका जो पेन ड्राइव का था वो कम हो गया है, क्योंकि जो इसमें विंडो का फाइल है वो स्टोर होगा इसमें, तो ऑब्वियसली इसमें कम होगा। फिर आपको एडवांस ऑप्शन पे जाना है। एडवांस ऑप्शन के बाद कस्टम मेन्यू पे जाना है, कस्टम मेन्यू में उसके बाद क्लोज करना है। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे हाइड हो रखा है इसको शो करने के लिए यहाँ पे टिक लगाएंगे, टिक करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट आएगा, उसके 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे विंडो 8.1 का फाइल सेलेक्ट किए, उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे आ गया। उसके बाद गो करने के बाद यहाँ पे फिर नाम पूछ रहा है,
कि यहाँ पे क्या नाम डालना है विंडो का। तो हम यहाँ पे से विंडो लिख देख के ओके करें। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे आपको विंडो का नाम डालना है, पूरे कौन से विंडो बना रहे हैं तो इस पर विंडो का नाम डालना है। तो हम विंडो 8.1 बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे विंडो 8.1। उसके बाद ओके ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे विंडो 8.1 का यहाँ पे फाइल लगना स्टार्ट हो गया। देखिए अभी यहाँ पे ये फाइल लग रहा है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा इसमें भी टाइम, 2-3 मिनट लगेगा, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे ये फाइल इसका लग रहा है। तो ऐसे आप विंडो किसी भी विंडो का फाइल इसमें विंडो बूटेबल बना सकते हैं, विंडो बूटेबल बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे भी ये कंप्लीट होने वाला है, विंडो 8 का भी, देखिए विंडो 8 का भी कंप्लीट होने वाला है। देखिए तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया जॉब डन, तो जॉब डन लिखा हुआ गया यहाँ पे ओके करना है आपको। जॉब डन को लिखा हुआ आ गया यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद फिर आप देखेंगे कि ये इसका जो स्पेस है और भी कम हो गया, क्योंकि इसमें जो इस विंडो का भी एक पहले जो बना उसका भी स्पेस इसमें पेंड्राइव में स्टोर हो चुका है। तो विंडो ऑफली इसमें पेंड्राइव का कम हो गईगा स्पेस। फिर आपको एडवांस ऑप्शन में जाना है। एडवांस ऑप्शन के बाद कस्टम मेनू नेम पे जाना है, विस्टा 7, 8, 10 उसके बाद क्लोज करना है। टिक लगाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर हाइड हो रखा है, तो हाइड का पे शो कराना है। शो कराने के बाद 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट के बाद फिर यहाँ पे देखिए विंडो 10 का अपने फाइल लगा है। विंडो 10 का फाइल सेलेक्ट करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे गो करना है। गो किए या फिर यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे नाम डालिए, क्या नाम डालना है तो यहाँ पे नाम डालिए। मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ, कुछ भी नाम डालिए, कुछ नहीं ऐसे कुछ नहीं कि कोई भी नाम वाले डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिर विंडो का नाम लिखना है, कौन सी विंडो इसमें बना रहे हैं। तो विंडो 10 है तो विंडो 10 का यहाँ पे लिख के मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ आपको यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका भी सेटअप यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे कॉपी हो रहा है। विंडो 10 का भी फाइल जो होगा यहाँ पे कॉपी हो रहा है, बुटेबल बन रहा है, ठीक है। तो अब आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप का कोर्स करना है तो ABC मोबाइल इंस्टीट्यूट में आके विजिट कर सकते हैं। मोबाइल का भी LED का, LCD, AC PCB, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, ये सारे कोर्स यहाँ पे होता है, तो आप एक बार आके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भी एक विंडो 10 का भी कंप्लीट होने वाला है। अब ये अगर हो जाता है तो आप किसी भी पेन ड्राइव में, किसी भी सिस्टम में, पेन ड्राइव से किसी भी सिस्टम में विंडो, कोई से भी विंडो डाल सकते हैं। देखिए जॉब डन लिखा हुआ आ गया। तो थैंक यू गाइज़।